नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में बर्फ ही बर्फ, सोलन में 28 साल बाद गिरे फाहे, धर्मशाला शहर में 9 साल बाद हिमपात। भारी बर्फबारी ने तोड़ा 3 साल का रिकॉर्ड, जनवरी के जाड़े से जम गया पहाड़। हिमाचल में सफेद सुनामी का कहर, बर्फबारी से 5 एनएच समेत 879 सड़कें बंद, कर्फ्यू जैसे हालात। किन्नौर के टिंकू नाला में दरका बर्फ का पहाड़, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। भारी बर्फबारी से हिमाचल सरकार अलर्ट, मुख्यमंत्री के आदेश, अस्पतालों की सड़कों से तुरंत हटाओ बर्फ। मजदूरों के नारों से गूंजा हिमाचल, बारिश और बर्फबारी के बीच मांगों को लेकर बोला जोरदार हल्ला। 16 जनवरी से धर्मशाला से चलेगी जयराम सरकार, शीतकालीन प्रवास के लिए मांगी उद्घाटनों शिलान्यासों की डिटेल। और 165 विश्वविद्यालयों की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सुंदरनगर के अयान ने जीता कांस्य, अब ओडिशा में दिखाएंगे दम। अब समाचार विस्तार से। 2 दिन की बर्फबारी और बारिश का सिलसिला बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। हालांकि दोपहर बाद मौसम कुछ हद तक साफ हो गया, पर सुबह सवेरे ही पहाड़ पूरी तरह से फाहों से लकदक हो गए। राजधानी शिमला में बिछी सफेद चादर से बिजली और पानी की सप्लाई पर असर पड़ा, तो कुल्लू की ग्रामीण सड़कों पर 20 बसें बर्फ की फाहों के बीच फंस गई हैं। जलोड़ी में 3, मणिकर्ण बरशैणी में 2, बंजार में 3 फीट बर्फबारी के बीच लोगों का हाथ और ठंड से हाल खराब हो गया है। मंडी का बरोड देश और दुनिया से कट गया है। वहीं शिकारी देवी, शैडधार, जंजहली, भुला, थुनाग, बक्सियार, दाहर, छतरी और लंबाथाच में हिमपात से बिजली गुल हो गई है। उधर कांगड़ा के मुल्तान में 6 से 7 इंच तक बर्फबारी से सड़कें बंद हो गई हैं। मैक्लोडगंज के साथ साथ धर्मकोट और नड्डी में गिरे फाहों से लोग चहक उठे। इसी बीच देर शाम धर्मशाला शहर में 9 साल बाद हिमपात हुआ। किलाड़, पांगी और लाहौल स्पीति के साथ साथ किन्नौर के दुर्गम गांव भी अलग थलग होकर रह गए हैं। इसी बीच सोलन शहर में 28 साल बाद 1.5 घंटा तक बर्फबारी हुई। चायल में सीजन का तीसरा हिमपात हुआ। सिरमौर के संगड़ा, सराहा, राजगढ़, चूड़धार और नोहराधार में पड़ोसी राज्यों से आए सैलानी आसमान से गिरते फाहों के बीच जमकर झूमते रहे। चंबा के जोत, डलहौजी, सलूनी व तीसा के ऊपरी हिस्सों में लगातार बर्फबारी से जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। इतना ही नहीं, बिलासपुर जिला के बंदलाधार में इस बार बर्फबारी से लोग हैरान हो गए। हिमाचल में बर्फबारी ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2017 के बाद जाड़े में जनवरी के पहले हफ्ते हुई भारी बर्फबारी से समूचा प्रदेश प्रचंड शीतलहर की चपेट में आ गया है। सर्दी के सितम का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 7 इलाकों का न्यूनतम तापमान अभी भी -डिग्री सेल्सियस में चल रहा है। इसी बीच मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में गुरुवार को भी 1-2 स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी। 10 जनवरी को मौसम साफ होगा और उसके बाद 11 से 13 जनवरी तक फिर से बारिश और हिमपात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। विभाग की माने तो प्रदेश भर में 14 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि 11 और 12 जनवरी को लोगों को बारिश और बर्फबारी से बचकर रहना होगा। हिमाचल में भारी बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दी है। 2 दिन से कर्फ्यू जैसे हालात के बीच सफेद सुनामी से 879 सड़कें यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गई हैं। मौसम की सबसे ज्यादा मार शिमला जोन में पड़ी है। यहां 563 सड़कों पर 3 दिन से गाड़ियां 1 इंच भी नहीं सरकी हैं। मंडी जोन में 174 सड़कें मौसम की मार से जाम हो गई हैं, तो कांगड़ा जोन में 137 सड़कें आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद हैं। सफेद सुनामी के कहर से प्रदेश के 5 राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी ठप हो गए हैं। हालांकि सड़कों की बहाली के लिए लोक निर्माण विभाग 425 मशीनें लगाकर जुटा है, पर मौसम के कारण लगातार बढ़ रही मुसीबतों के बीच लोग घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। हिमाचल में बर्फबारी भारी पड़ने लगी है।
ताजा घटनाक्रम में किन्नौर के टिंकू नाला में बर्फ का पहाड़ दरक कर एनएच पर बैठ गया। इससे यहां पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि टिंकू नाला में एनएच की ओर लपक रही बर्फ पर वहां से गुजर रहे गाड़ी वाले की नजर पड़ी और उसने सभी को अलर्ट कर दिया। देखते ही देखते पहाड़ से खिसक रही बर्फ राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जम गई और एनएच 5 पूरी तरह से बंद हो गया। हिमस्खलन से एनएच बंद हो गया है और एहतियात के तौर पर प्रशासन ने गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। हिमाचल में भारी बर्फबारी के बाद प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। हिमपात के बाद उपजे हालात का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिलाधीशों को बर्फबारी से ठप पड़ी सभी आवश्यक सेवाओं को जल्द बहाल करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सड़क, बिजली और पानी की बहाली के लिए कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारियों को भी फील्ड में उतरने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के प्रमुख अस्पतालों को जोड़ने वाली सड़कों पर से तुरंत बर्फ हटाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने लोगों से बर्फबारी के दौरान सचेत रहने और सरकार व प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। हिमाचल में पटवारी भर्ती की सीबीआई जांच होगी। हाई कोर्ट ने कथित धांधली की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश चंद्रभूषण बालोवालिया की खंडपीठ ने निदेशक लैंड रिकॉर्ड द्वारा दायर शपथ पत्र की पड़ताल के बाद पाया कि 100 में से 43 प्रश्न पहले ली गई परीक्षाओं से आए थे, लिहाजा मामला संदेहास्पद है। इसके साथ ही साथ इस बात की भी आशंका है कि परीक्षा में कुछ अधिकारियों ने चहेतों को फायदा पहुँचाया है। इसी कारण केस अब जाँच के लिए सीबीआई को सौंप दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई तक जाँच पूरी करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई अब 8 अप्रैल को होगी। बर्फबारी और बारिश से हार्ड तो ठंड के बीच बुधवार को धरने और प्रदर्शनों से पहाड़ का पारा चढ़ गया। ट्रेड यूनियंस के भारत बंद के दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स, सीटू, आशा वर्कर्स, मनरेगा मजदूर, सफाई कर्मी, बिजली बोर्ड कर्मियों के साथ साथ मिड डे मील वर्कर्स, रेहड़ी फड़ी, आउटसोर्स मजदूर यूनियन, हिमाचल किसान सभा, जनवादी महिला समिति, नौजवान सभा, SFI और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन से जुड़े सैकड़ों सदस्यों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राजधानी शिमला में इंटक और सीटू के बैनर तले महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर हल्ला बोला गया। चंबा में मुलाजिमों और मजदूरों ने रैली निकालकर जोरदार नारे लगाए। मंडी में खराब मौसम के बीच केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कुल्लू में कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूर आग बबूला हो गए। ऊना में हो हल्ले के बीच जोरदार रैली निकाली गई। हमीरपुर में भोटा चौक से गांधी चौक तक रैली निकाली। बिलासपुर में श्रम कानूनों में किए गए बदलाव के विरोध में लक्ष्मी नारायण मंदिर से DC ऑफिस तक नारे लगाए गए। धर्मशाला में सीटू और इंटक से जुड़े मजदूर संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। वहीं सोलन, नाहन और रिकांगपियो में भी मजदूरों के नारों से माहौल गर्म हो गया। राजधानी शिमला में बर्फबारी के बाद प्रदेश सरकार अब निचले हिमाचल का रुख करने वाली है। इसके लिए जयराम सरकार का प्रवास 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शीतकालीन प्रवास के दौरान होने वाले उद्घाटनों और शिलान्यासों की स्टेशन और प्रोजेक्ट वाइज सारी डिटेल तलब कर ली है। सभी विभागों को 10 जनवरी से पहले पहले लिस्ट देने के आदेश दिए गए हैं। पूर्व सांसद और फायर ब्रांड नेता डॉक्टर राजन सुशांत ने बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर फिर से तीखा हमला बोला है। राजन सुशांत ने कहा कि एक पौंग विस्थापित जब खेती कर रहा है तो उसको कानून का डंडा दिखाकर चुप रहने को कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, नोटिस भिजवाए जा रहे हैं, पर पौंग के साथ लगते क्षेत्रों के 2 विधायक सरेआम खुद भी खेती कर रहे हैं और अपने चहेतों से भी करवा रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पौंग विस्थापित किसान भूखे मरने के नौबत में पहुंच गए हैं। जिला कांगड़ा के फतेहपुर, ज्वाली, देहरा और जसवा परागपुर हलकों के हैं। इनको ना तो राजस्थान में नहरी मुरब्बे मिले हैं, ना ही यहां पर इनके पास कोई रोजगार है, ना ही इनके पास जमीन है। उन्होंने कहा कि अब ना इंसाफी का यह मसला केंद्र के सामने उठाया जाएगा। और अब खेल समाचार। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में सुंदरनगर के आयान परिहार ने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता है। उत्तर प्रदेश के सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज बागपत में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के कुल 165 विश्वविद्यालयों के प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए आयान ने ये कामयाबी हासिल की है।
सुंदरनगर में युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से बॉक्सिंग के वरिष्ठ प्रशिक्षक नरेश कुमार और साई के अनिल कुमार से बॉक्सिंग की बारीकियां सीखने वाले आयान अब ओडिशा में फरवरी में होने वाली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। आयान 75 किलोग्राम वर्ग से खेलते हैं और हिमाचल के बेस्ट बॉक्सर का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। और अब चलते चलते मुख्यमंत्री की अफसरों को सख्त हिदायत, डीपीआर वक्त पर बनाएं वरना होगी सख्त कार्रवाई। हिमाचल के दो पुलिस अफसर बने आईपीएस, किन्नौर और लाहौल स्पीति के एसपी को मिला तोहफा। कांगड़ा के ठाकुर द्वारा में घर में सोए अधेड़ पर किया कातिलाना हमला, नूरपुर अस्पताल में भर्ती। और घुमारवी के निजी होटल पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, टैक्स छिपाने पर 2 लाख रुपए जुर्माना। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं गायक राजीव शर्मा की ये प्रस्तुति। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।